हम यहाँ विद्यार्थी रहे और हमारे जीवन से का आज से बड़ा कोई सौभाग्य दिन नहीं होगा जब हमने यहाँ विद्या के मंदिर में जहाँ अध्ययन किया यहीं हमें तिरंगा ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया और सबने स्नेहपूर्वक दिया। हम यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और यहाँ के प्रियजन और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय और वो शिक्षक भी हमको मिले, खान साहब हमको मिले जिन्होंने हमें पढ़ाया। यहाँ आकर के मन बहुत आह्लादित है। हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है, इस देश का अरमान तिरंगा है। इस विद्यालय में आकर के मन प्रसन्न है और हम ये कहना चाहते हैं जितने भी भारत के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आप कितनी छोटी जगह कौन से स्कूल विद्यालय में पढ़ रहे हो, ये महत्वपूर्ण है कि आप विचार कैसा रखते हो और करते क्या हो। अगर आप भले ही छोटी जगह पर पढ़ो पर अपने देश के लिए आप बड़ा कर सकते हो। इसलिए भारत बहुत प्यारा है, यहाँ होंठों पर गंगा है, हाथों में तिरंगा है। जो देश के लिए नहीं जीता वो किसी के लिए नहीं जी सकता। राष्ट्र के लिए जीना बहुत जरूरी है। हर घर तिरंगा अभियान बहुत अच्छा है, राष्ट्र के प्रति प्यार होना बहुत अच्छा है। और जिन्हें वंदे मातरम, कई लोगों को तो वंदे मातरम बोलने से भी दिक्कत है, उन लोगों को कहेंगे कि देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और पूरे भारत में ये लागू, बहुत अच्छा, ये राष्ट्र के प्रति प्रेम समर्पण है। धन्यवाद। क्या शिक्षा मिलती है अगर इस तरीके से? राष्ट्र सर्वोपरि, अगर जय हिंद बोलते हैं तो इससे ये सिद्धांत तय है कि राष्ट्र सर्वोपरि और व्यक्ति को अपना राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए।